तो अभी चलिए हम इनका रिएक्शन बताते हैं कि इनको जब हमने दिखाया कि वो कैसा है। अच्छा है ना। बट इनको ना यहाँ पे पूरा लाल लाल फिर से हो गया, जो पैरों में था वो चीज हमें समझ में आ रही है, पता नहीं क्या है, C3 की क्या है। तो ये देखिए, ये आप लोग को भी लाल लाल दिख रहा है, सूजा सूजा दिख रहा है ना, देखिए बस। तो आप रहने दो, आप आदमी क्या कर रहा है इनको। तो कैसा लगा आप जगह? ठीक है, उनका फोन आ रहा है, तो फिर क्या वो उसके लिए अप्लाई करें अभी नहीं करें? अप्लाई के लिए, लोन के लिए। लोन के लिए ऐसे कहाँ हो रहा है अप्लाई? हाँ, तो फिर कहते तो होम लोन जल्दी मिल जाता। तो होम लोन के लिए पहले पैसे, कुछ पैसे तो पास में होना चाहिए, तब होम लोन पास होता है वहाँ पर। फिर ये तो नहीं कि पूरे लोन थोड़ी ना पास कर बैंक वाले। तो कितना होना चाहिए? बात कर लो बैंक वाले से भी, कम से कम आधो, जैसे आधो पास, 50-70 तक, 70% तक तो पास कर, बाकी तो अपने बैंक वाले पास। अभी देखिए, मुझे ये सब भी नहीं पता था कितना होता, कितना कैसा होता, भगवान मेरे को नहीं पता। तो मतलब क्या बोले, तुमने मना कर दिया है ना? पहले चलिए हम पहले बैंक में बात कर लें कि वो क्या बोलते हैं, है ना, हमारी सिचुएशन को देख के क्या बोलते हैं। और मैं अपना जो भी होगा अपना स्टेटमेंट तो लगा ही दूंगी पासबुक का, कि देखिए मंथली में तो आता ही है। और फिर कुछ और भी चीज़ें हमने सोची हैं, वो जल्द ही आप लोग को अगले ब्लॉग में बताएंगे। आज के लिए अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, है ना। अब थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिएगा हमारे। हमारे घर कौन आए हैं? नाना जी आए हैं। नाना क्या लेकर आए आपके लिए? क्या लेकर आए बताओ ना, बताओ उधर पे क्या लेके आए नाना जी। नाना जी टॉफी लेके आए, टोस्ट लेके आए, पहले नहीं आ पाए थे इसलिए आज आए, ये लोग टॉफी खा रहे हैं। तो दादी को दिखने लगा आज? नहीं लगा। अच्छा, वो हॉस्पिटल बताई थी छुट्टी नहीं मिलती है। और वो उसकी कब छुट्टी हुई भाभी की? हैं? उनकी कब हुई? कल हुई है। हाँ मम्मी ले आई घर। किसकी मम्मी? उनकी मम्मी ले गई ना? नहीं, हाँ तुम्हारी मम्मी ले आई, हमने मना कर दिए थे। तो यहीं पे है, ऊपर है, ऊपर। हाँ कर दिए वो, हमने पूरा लेटरिन भी साफ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड की जब से तबीयत खराब थी अभी वो ठीक होने लगे हैं, तो बहुत दिनों बाद मेरे पिताजी आए हैं। शिव देव के जन्मदिन में भी नहीं आए थे। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने आप लोग को प्लाट बताया था ना, उसके बारे में भी हस्बैंड ने कुछ बोला कि आरती ऐसे ही तुमको कोई पेपरप्रूफ ना बना दे, संभल के करना। तो इसलिए मैंने आप सबको भी बताया, आप सब लोगों ने भी बोला कि बहुत बारीकी से जांच करना, और हस्बैंड ने मुझे ये समझाया। तो देखिए, मैं कुछ भी चीज ना बिना हस्बैंड से पूछे, बिना कुछ, चार लोगों की राय, बिना कुछ भी अकेले नहीं करूंगी। और एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा, क्योंकि ना बार बार इतना भागता बहुत, मैं भी ना थक जाती हूँ उसको पकड़ पकड़ के। अभी मेरे हस्बैंड बाहर सो रहे थे, अभी भी ऐसा है कि उनको अगर दूसरों से मिलना जुलना है ना, तो मास्क लगा के रहना है, या फिर आपस में नहीं मतलब बातचीत ऐसे करना। तो फिर मैंने कहा कि पिताजी आप अंदर बैठ जाइए, और वो सो गए थे, आराम कर रहे थे। तो फिर कहा कि इनको आराम करने देते, तो चाय वाय पी रहे थे। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं कि क्या ऐसा होता है कि कोई फ्रॉड प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी में भी कोई फ्रॉड करता है क्या? मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है। और रही बात वहां की, तो ना वहां पे आप लोगों ने जो जगह देखा है ना, वो आज नहीं तो कल जरूर उसका विकास होगा। मत कूदो ना, अभी खिड़की, पापा खिड़की बंद कर दो वो वाली। देव बड़े फुर्तीले बच्चे होते हैं, जाएगा नाना के यहाँ काय चले जाना, जाओ नाना पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे देवू और मेरे शिव, आए राम रे, ये खिलौना। अरे नहीं,
अरे नहीं नहीं अरे अब चाय पिलाऊंगा। अच्छा, हम एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हम ना सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए मैं एक छोटी सी कोई भी ऐसे फूल माला की या प्रसाद की दुकान खोलती, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ज्यादा ना इन सब चीजों की बिक्री होगी। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है जब मेरा पर्सनल का कोई काम होगा तब तो मैं कर पाऊंगी, यूट्यूब के भरोसे सहारे नहीं कर सकती हूँ। हाँ, यूट्यूब है, जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है। भगवान हमें इतना ही दाल रोटी देना कि हम उतना कर सकें और बच्चों के लिए मैं भविष्य में उनका खुद का मकान बनवा सकूं। ऐसे नहीं लो ना देवू, नहीं तो पापा वो दे दो, 10 का दे दो, आप 10 का दे दो, 10 का दे दो, वो वापस कर दो, 10 का दे दो ना, वो वन ले लो, 10 रुपए ले लो, वो वापस कर दो, वो 10 का दे दो पापा, आप ठीक है? हाँ वेरी गुड। मम्मी के लाने के लिए 10 रुपया में उधार हो गया। मम्मी के लाने के लिए वो मम्मी गिरा दिया। टाटा ये तो समझ नहीं लगा। और ये जी गधा है, गधा नहीं नहीं। आना फिर पापा, मैं तो आता, आप तो आता ही नहीं हो। बोला नाना जी, मैं तो आता रहता हूँ ना। नहीं आते हो नाना जी? आते रहते। हाँ अरे मैं तो पहले चलाता हूँ, बाकी कोई साधन नहीं रख सकता हूँ। अरे खर्चा का घर है, कोई और साधन आराम से आना। अरे हम लोग की हैबिट है डेली। चले गए नाना, नाना चले गए। तो मेरे पिताजी चले गए हैं। मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बस भविष्य में बच्चों के लिए मैं अपना मकान खड़े कर दूं, क्योंकि जहां हम दर दर भटक रहे हैं ना, उनको ना भटकना पड़े। एक पूंजी बहुत बड़ी पूंजी होती है, और देखिए अभी वहां के रेट इतने हैं, कल को और भी बहुत ज्यादा होंगे। तो जैसे भी होगा जो भी होगा धीरे धीरे आप लोगों से अपडेट करती रहूंगी। चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलती हूं। एवरीवन, तो अभी हम आप लोगों से मिल रहे हैं, और कल जो आप लोगों को बताया था वो कल का दिन था, मतलब फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और उसके बाद अभी मिल रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो हम प्लॉट देखने गए थे ना, तो हस्बैंड को बताया, तो आप लोगों से मैं और अच्छे से बात कराऊंगी, बस उतनी ही बात करा पाई थी। क्योंकि ना कुछ भी फैसला हो वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, आप लोगों ने भी बोला है ना, तो ये चीज़ है। हालांकि वो थोड़ा सा दूर है, पर ये है कि सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अभी नहीं होंगी, और हमने ये सोचा है कि हम ना छोटी सी किसी चीज़ की अभी ठेला वेला लेके दुकान खोलने का सोच रहे हैं अभी फिलहाल में। हमने ये भी सोचा जहाँ हम रहेंगे ना, तो अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब किसी चीज़ का विकास ही नहीं है। तो जहाँ हम प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, तो वहाँ ये चीज़ देख के हमने सोचा है कि वहाँ पे अगर कुछ हम खोलेंगे ना अपने व्यवसाय के लिए, इसलिए हम ऐसी जगह लेना चाह रहे हैं कि अगर हमने वहाँ पे लिया कुछ खोले तो वो शायद चल पड़ेगा। क्योंकि आपको पता हर जगह आजकल कहीं जगह नहीं है। रहा अपार्टमेंट का, हमने बहुत जगह अपार्टमेंट देखे बट हमारे बजट का हमको कहीं भी नहीं मिला। और को ये बोल रही थी कि घर बनाना आसान नहीं होता है, नहीं लेना आसान होता है, कुछ भी प्रॉपर्टी का चीज़ कुछ भी लेना आसान नहीं होता। फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमने काफ़ी जगह अपार्टमेंट का देखा जो मिल जाते हैं, मतलब किस्तों में ही मिल जाते हैं, और उसमें वो मुझे लगा कि वो हमारा अपना नहीं रहेगा, हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे मेरे दो बच्चे, क्योंकि हर माँ बाप सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए एक छत बना के दें, फिर हमारा का क्या भरोसा है ना, इसलिए तो मैं अपने बच्चों के लिए इस हिसाब से तैयार करूंगी है ना। हम जैसे भी परिस्थितियों में रहें, हर माँ बाप का तो यही सोचना कि हमारे बच्चे वो मुसीबतें ना झेलें जो हमने झेल चुके हैं, झेल रहे हैं ना। तो देखिए, मैंने तो वैसे मुझे एक दो कमेंट आए कि बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आए, एक दो कमेंट आए कि आरती जितने भी यूट्यूबर हैं हम सभी ने घर बनाया, सभी ने प्लॉट लिया, बट एक आप ही हो। तो देखिए कि आज तक आप नहीं ले पाई। बाबू बात कर रही हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ।
तो ऐसा है कि देखिए मेरे हस्बैंड का ना, एक तो आपको पता है मैंने चैनल क्यों खड़ा किया था और अभी मैंने चैनल क्यों चला रही हूँ। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी है, उनका ट्रीटमेंट है। हाँ, उसको अलग मतलब उसके लिए भी निकालूंगी मैं, पर हमें अपना खुद का भी छोटा मोटा कुछ करना पड़ेगा। एक बार ही मैंने सोचा कि क्या करते हैं हम दुकान अभी खोलते हैं, ऐसे जैसे आलू बंडे समोसे की नहीं, कुछ ऐसी कि जिसमें, नहीं 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 बाबू नहीं, इसमें कि हम दोनों बैठ सके। उसमें भी हमने सोचा था, पर यही कि उनको इन्फेक्शन हो गया, पर वो घर में रहेंगे, वो बच्चों को तो इन्फेक्ट देख ही सकते हैं, तो मैं तो बैठ ही सकती हूँ। और ऐसा नहीं है जब मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ तो वहाँ पर भी कर सकती हूँ, है ना। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बोले ना कि वो वहाँ पे है, घर में वो लेटे है, तो ये सब बातें मेरे को शोभा नहीं देती, ना ही मेरे पे कोई बोले तो ये अच्छा है। तो मैं, खैर जाने दीजिए ये बात अपनी। हाँ, तो मैं प्लॉट की जगह पे थी, तो वो चीज़ों में ना, वो उसी लिए थोड़े से अभी कम दामों में वो चीज़ ना, क्योंकि अब अच्छी अच्छी जगह कहीं भी नहीं बची, थोड़ा सा दूर है। पर पहले तुमको देखो लाइट पड़ रही, थोड़ा सा वीडियो क्लियर रहा। पहले तुमको क्या है कि जो वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा होम लोन लोग होगा, होम लोन के लिए भी उन लोग 50-70% देते हैं, पूरा पूरा नहीं देते हैं कि आपको पूरा पूरा लोन का दे दिया। तो अभी मेरे पास हाथ में कुछ भी नहीं है, पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, है फिर भी बैंक में जाएंगे, हम बात करेंगे जैसा भी होगा। एंड हमें बहुत ज़्यादा घर की ज़रूरत है, सच में अंदर से पूरा पानी टपक रहा है। और कहने का मतलब, वहाँ पे हमने देखा, हालांकि हमने ये तो नहीं देखा वास्तुशास्त्र के अनुसार, बट हाँ जिस साइड हम देख रहे हैं ना उस साइड भी घर बने, तो इसका मतलब ठीक दिशा ही होगी, तब तो उस साइड का हमें बताया। तो अभी उनको ना हमने जो है बोला है कि हाँ अभी रुकिए, हम पहले बैंक में जाके पता कर लें, देखते हैं, है ना। मतलब 3-40 जगह पता करेंगे, देखेंगे। हमारा कोई भी ऐसा तो कुछ है नहीं, हमने आज तक कभी भी, मतलब वो जो मेरा यूट्यूब इनकम वो वाला बैंक दिखा के, मैंने कभी भी आज तक की डेट में कभी भी कुछ भी नहीं लिया इस उससे। तो देखेंगे धीरे धीरे, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। और हाँ, एक बात और भी कह दूँ, आगे भी बात करूँगी आप लोगों से, रुक के बच्चों ने बहुत सारा फैला दिया है, इनसे भी बात कराऊँगी और आप लोगों से भी बात करूँगी। ये बात मुझे बहुत ज़रूरी है बात करना, है ना। तो आप लोग मुझे इस चीज़ का बताना ये सही है गलत है। और मेरी बिंदी फिर से शिव ने निकाल दी, ये ऐसा ही करता है, अगर मैं बिंदी लगा के आऊँगी तो ये फिर से निकाल देगा। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ, आप लोग बने रहिएगा हमारे। जय हिंद, जय हिंद। आप भी जा रहे हो स्कूल? आज कहाँ जा रहे हो, इसको भी ले जा रहे हो? नहीं। हाँ फिर हैं? अच्छा, आपको स्कूल जाना कैसा लगता है? अच्छा। और कोचिंग जाना? नहीं। नहीं क्यों? स्कूल में नहीं होती स्कूल को पसंद करना चाहते हो? बड़े होगे क्या बनोगे? आर्मी बादशाह, मैं को मार के और आपके पैसे इधर आ दूंगा। अच्छा, दुश्मन को मार दोगे? पैसे वापस लुटा दूंगा। मेरे पैसे वापस लुटा दोगे? मेरे से कब लिए आपने? क्या? मैं आऊंगा। अच्छा ठीक है, बाय कर दो। बाय गाइस। शिव आप क्या कर रहे हो? इसका तो पूरी जैम भैया को लगा और इनका भी पूरी जैम खबर आई है, देख। हाँ, किसने दिया? खा लो पूरी, खा लो। आम 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 आम।
देख जैम कैसे खाएगा देखना होली से। देखो जरा इसका ऐसा ही है, गिराता है खाता है, गिराता है खाता है। मम्मी जी देखो जी, मैंने प्लेट में दिया था पर उसको वैसे नहीं खाना, देखना अब खाएगा। भैया खिला दो, भैया खिला दो, भैया को भी खिला दो, भैया वहां जाओ खिलाएगा। आ करो भैया खिला दो, जैम पूरी खिला दो भैया को। अरे खा लो यार। नहीं मारो यार उसको।